हमारे यहां तो भगवान कृष्ण की मैया यशोदा मैया भी कहती है यश ददाति इति यशोदा, जो दूसरे को यश देती है वो यशोदा है। अर्थात हम अगर दूसरे को यश दे रहे हैं, हम दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भी यशोदा से कम नहीं हो। हम कई माताओं से कहते हैं आप अपनी बहू को यश देना चालू करिए, बहू आपको यश देना चालू कर देगी, निश्चित है। आप देव तो आपने यश नहीं दिया, आपने अपयश दिया। जरा सी सब्जी बिगड़ी, सब्जी खराब बन गई, सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा हो गया, और जरा सी अगर सब्जी बिगड़ी तो उतने में बेटे ने भोजन करने बैठा और उसने कह दिया सब्जी कितनी बुरी बनी है, इतने में सास ने कह दिया ये तेरी बहू ने बनाई है, ये बहू ने बनाई है। अगर सास आकर बोल देती कि बेटा सब्जी बेकार बन गई, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझसे देखते नहीं बना, थोड़ा नमक ज्यादा गिर गया होगा, थोड़ी मिर्ची ज्यादा गिर गई होगी, अगर बहू ने सब्जी बनाई है और सब्जी बेकार बन जाए और सास अपने माथे ले ले, तो ये निश्चित है वो बहू सास के चरण कभी नहीं छोड़ सकती। बस थोड़ा सा यश देना सीख जाए, थोड़ा सा यश देना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप यश देंगे तो यश देने पर आपको भी यश अवश्य ही मिलेगा, ये निश्चितता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में दुखी है, ये निश्चित है। और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को मिटा दे। सुन लेना री कानपुर और कल्याणपुर की जीजियों और जितने भी मेरे जीजा हों बैठे वो भी अच्छे से सुन लेना। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, संसार में सब दुखी है। और केवल तुम ही नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाराजों को भी लिया, जितने बड़े बड़े महाराज हो, संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, कथाकार हो, उनको भी पकड़ के लिया, वो भी दुखी मिलेंगे। और किसी की सामर्थ्यता नहीं महाराज जो तुम्हारे दुख को काट दे। वो दुख कब कटता है? जब हम अपने मन से खुश होते हैं। क्योंकि अपने मन से अगर हम सुखी हैं तो संसार में झोपड़े में भी सुख मिल सकता है, अगर हम मन से सुखी हैं तो संसार में हर जगह सुख मिल सकता है, हम मन से दुखी हैं तो कहीं मिल सकता, कहीं पे भी सुख नहीं मिलेगा। अगर संसार में दुख नहीं होता ना तो कितने कितना कई कई संत अपने आप में कहीं कोई गोली मार लेता है, कोई अपने आप सुसाइड कर लेता है। अब तो इतने बड़े महात्मा बनकर, इतने बड़े जोगी बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर, साधक बनकर, कई कई छोटे छोटे बच्चे, कोई कोई नवयुवक बच्चे, कई कई बुजुर्ग माताएं, कई कई बूढ़े बूढ़े लोग अपने प्राणों को त्यागने का विचार। क्यों? क्योंकि मन से सुखी नहीं है, आत्मा से सुखी नहीं है, इन्हें परमात्मा को पाने का प्रयास नहीं किया। ये हवा के दौर में चले, हवा का बहुत चक्कर है महाराज। अभी इनकी हवा चल रही है तो सब हवा के चक्कर में उधर चलेगा। अच्छा ईमानदारी से बोलना, हवा में कचरा रुख बदलता है कि पत्थर रुख बदलता है? बोलो री जीजी जरा कानपुर वाले और जीजा उन भी बोल दो, हैं? हवा में पत्थर रुख बदलता है? पत्थर वहीं पड़ा रहेगा, किसी की भी हवा चले, पर कचरा रुख बदल लेगा, पर पत्थर अटल की अटल रहता है, पत्थर नहीं जाता। हवा किसी की भी चले। और जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, जो शिव मंदिर में जाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का अनुमोदन करने वाले होते हैं, जो शिवजी पर एक बेलपत्र चढ़ाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का गुणगान गाने वाले होते हैं, जो शंकर का नित्य स्मरण करने वाले होते हैं, वो पत्थर की तरह होते हैं। किसी की भी हवा चले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शिव के भक्त हैं और शिव के चरणों में रहते हैं, ये किसी के हवा के रुख में नहीं जाते। जहां थोड़ी बहुत चमक नजर आती है वहां से थोड़े दिन में चमक उड़ जाती है। तुम भी देख लेना, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी का बर्तन, एक तांबे का बर्तन,
एक पीतल का बर्तन, एक एल्युमिनियम का बर्तन, एक लोहे का बर्तन, या फिर जाने दो तुम तो ये बर्तन को भी जाने दो, घर में बहू बच्चे इनको भी देखना, जब आई थी तो कितनी चमक थी, ऐसा लग रहा था पूरे घर को चमका देगी। चार दिन में मालूम पड़ा चेहरे की चमक तो थी पर जीवान की नहीं हो पाई। सोने की चेन भी चमक रही थी पर थोड़े दिन में फीकी पड़ गई। चांदी भी चमक रही थी थोड़े दिन में फीकी पड़ गई। चमक पर मत जाना कभी जिंदगी में, बिल्कुल मत जाओ, चमक पर तो जाना ही नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही रहना, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप भगवान के भक्त हो और भक्त ही बनकर रहना, आपको नहीं बदलना है। आपको चमक की ओर नहीं जाना है। दुनिया कितनी भी चमत्कार करे, दुनिया कितनी भी चमक दिखाए, दुनिया कितनी भी चमत्कारों पर चमत्कार दिखाए, अपने को वैसे भी हमने देखा है कानपुर उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश साइड के इधर के जितने भी लोग हैं, हमने देखा ये चमक के पीछे कभी नहीं भागते, ये भागते हैं तो परमात्मा के पीछे भागते। ये नियम बना, इसीलिए तो पूरी दुनिया में छोड़कर भगवान ना तो मध्य प्रदेश में इतनी बार प्रकट हुए, ना गुजरात में प्रकट हुए, ना महाराष्ट्र में इतने प्रकट हुए जितने वो उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो उनको उत्तर प्रदेश में बार बार प्रकट होना पड़ा। राम जी उत्तर प्रदेश में आ गए, भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश में आ गए, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में आ गए, बचे कुचे थे तो आनंदेश्वर गंगा जी के तट पर आके बैठ गए, हमें तो आश्चर्य होता है तब यहीं पर आ गए। ये चमक के पीछे भागने वालों में से नहीं है, ये भगवान के पीछे भागते, भगवत चरणारविंद की ओर भागते, ये भगवान की शरणागति की ओर भागते। ये फालतू लोगों में उलझते भी नहीं है, इतने विद्वान हैं ये, इनके मुंह में अगर गुटखा और पान भरा हो ना तो ये जब तक पान गुटखा 50 रुपए का है सामने वाले से बात जब करेंगे, अगर वो 200 रुपए की बात है तो थूकेंगे नहीं, तो चबाते ही रहेंगे, थूकेंगे भी नहीं, बोलेंगे ही नहीं बीच में, और बोलेंगे भी तो मुंह में भरा रहेगा, बोले ही नहीं है। कितना ही इनसे बोल लो साहब काका जी बढ़िया हो आनंद में, नहीं बोलेंगे। 50 रुपए से ऊपर की बात होगी तो बोलेंगे 50 का गुटखा है, नहीं बोलूंगा। जब तक तुम्हारी बात 200 के लेवल की नहीं आएगी तब तक नहीं थूकूंगा, नहीं तो यही फंसा लेगा और टॉप। नहीं बोले वो, बात 200 तक पहुंचना चाहिए, तब तक तो नहीं बोलेगा, जब तक खड़ा ही है सुन रही है बैठा है, पर नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। और जब बात इनकी चलते चलते 200 के पार कर गई तब फिर क्या बोल रहे थे, अब आया उत्तर प्रदेश, अब आया। यहाँ व्यर्थ में लोग उलझते भी नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा स्नेह है कि यहाँ लोग भक्ति के पीछे भागते हैं, भजन के पीछे भागते हैं, स्मरण के पीछे भागते हैं, इसलिए मेरे रामकृष्ण इस उत्तर प्रदेश की भूमि पर जन्म लेते हैं। भजन के बल पर भागा गया है, भजन के पीछे भाग गया महाराज। भगवान की जो भक्ति है, भगवान के भजन का जो बल है, उसको हमें बढ़ाना है। आप करो भगवान का भजन, आप करो मंत्र जाप, आप करो नाम जाप, कहीं नहीं जाना हमको भगवान शंकर की शरणागति के सिवाय। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर भगवान का गुणगान करना है, शंकर भगवान की भक्ति में डूबना है, शिव स्मरण करना है, उसके सिवाय हमारे को कुछ भी नहीं आता। हम तो ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है, साधारण सी चीज है, हम तो बस केवल भगवान का भजन करना जानते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं, हमारे को नहीं आता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छटी ना में कटी जावारी, भोले मैं तेरी बदन शंभू मैं तेरी बदन। भगवान की अविरल भक्ति की ओर चलो, विस्मयता में भ्रमता में दुनिया के लोग तुमको ले जाने का प्रयास करेंगे पर हमको नहीं जाना। आप वाणी मिठास की बोलिए, आप थोड़ा सा यश देने का प्रयास करिए। भगवान को चमक प्रिय नहीं है, भगवान कभी चमकता में नहीं जाना चाहता। भगवान कहता है कि मैं तो तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूं, दिल में, उसको चमक से कोई मतलब नहीं।
कोई मतलब नहीं उसको चमक से। अगर मेरा भोलेनाथ मेरा भगवान चमक देखता तो चमड़े का जूता बनाने वाले थे रविदास जी। बोलो री जी जी, सही है गलत है? चमड़े का जूता बनाते थे संत रविदास जी, और चमड़े का जूता बनाते थे। अगर मेरा भगवान चमक देता देखता या वर्ण देखता या कुछ और देखता या ज्ञान देखता तुम्हारी विद्वत्ता देखता तो भगवान फिर रविदास जी के कहने पर चमड़े धोने वाले बर्तन से गंगा जी का हाथ बाहर निकलकर नहीं आ जाता। चर्मकार होने के बाद भी उनकी भक्ति का बल प्रबल था, इसलिए भगवान चमक नहीं देखता, भगवान दिल देखता है। संत रविदास जी के लिए प्रकट हो गए, संत तुकाराम जी के लिए प्रकट हो गए, संत नामदेव जी के लिए प्रकट हो गए, कर्माबाई के लिए प्रकट हो गए, मुक्ताबाई के लिए प्रकट हो गए, मीराबाई के लिए प्रकट हो गए। उसने कभी चमक नहीं देखी, उसने तो केवल तुम्हारा दिल देखा है, हृदय देखा है, मन देखा है, चित्त देखा। उसको चमक से मतलब ही नहीं। चमक तो वो खुद बनाता, चमक तो वो खुद बनाता है, चमक बनाने में तो वो अग्रण्य है। जब किसी का हाथ पकड़ लेता है ना, उसको चमका देता है, वो फिर भले खड्डे में पड़ा हुआ क्यों ना हो, उसको चमकाने में देरी नहीं लगती, वो खुद चमका देता है। कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत जी में, भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगा। बोलो सुनी कि नहीं सुनी रहे? किस किसने सुनी, जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी? हाउ धर्म धर्म। भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगा, ये तुमने भागवत जी में घड़ा सुना, खूब सुना। अब आज भी सुन लो, जितने लोग हैं यहाँ पर लगभग लगभग मेरे हिसाब से तो बाबा की कृपा से आज प्रशासन के लोग कह रहे थे कम से कम 5 लाख से ज्यादा पब्लिक यहाँ पर भरी हुई है, और वास्तवता है आप लोग इतनी संख्या में आए हो, इतनी संख्या में आए हो कि कॉलोनी में जगह नहीं बची रे दादा, इतनी संख्या में। ये शिव कृपा है, बाबा की कृपा। और जहां जगह के लिए वहीं बैठकर सुन लो, ये मत सोचो कि कहीं हमारे लिए कुछ अच्छी जगह मिल जाए, हम अच्छी जगह, तुम्हें जहां मिल रही है वहां चैन से प्रेम से सुनना। तुम यहां जगह देखने नहीं आए हो, यहां भोलेनाथ जी के दिल में और भोलेनाथ जी तुम्हारे दिल में बैठने के लिए। आप हृदय से सुनो, कर जहां मिल जाए जगह वहां बैठो। भगवान पर चोरी का इल्जाम लगा, भगवान मणि ढूंढने के लिए गए। सत्राजीत ने चोरी का इल्जाम लगाया, जामवंत के साथ में युद्ध हुआ, मणि भगवान को मिली। मणि भगवान को मिली, ऐसा नहीं है कि मणि नहीं मिली। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं मणि तो दे दूंगा पर मेरा एक निवेदन है, मेरी बेटी जामवंती से आप विवाह कर लो। भगवान ने पूछा, तुम्हारी बेटी जामवंती कैसी लगती है? तो कहा, जैसा बाप है वैसी बेटी है। अब बाप कौन था? जामवंत, रीछ, भालू। अब भालू की बेटी रीछ की बेटी, बोलो तो। अब रीछ की बेटी कोई हीरोइन तो होगी नहीं, अब रीछ की बेटी भी रीछड़ी ही होगी। अपने यहां तो सीधे कहते हैं बकरा बकरी की छोरी बकरी, ऊंट की ऊंटनी। अपन बोले कि नहीं बोले? साधारण साधारण भाषा में अपन लोग कह देते। अब रीच की बेटी जामंत की बेटी, जामंती। भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी कैसी है? तो जामंत ने कहा मेरे जैसी लगती है। तुम्हारे जैसा लंबा मुंह? हाँ। भालू जैसा मुंह? हाँ। तुम्हारे जैसे चेहरे पर बाल? हाँ। तुम्हारे जैसे बड़े बड़े नख? हाँ। पूरे शरीर पर बाल? हाँ। ऐसी कैसी है मेरे को देख लो, मेरी बेटी को देख लो। अब राम अवतार में तुमने भले कृष्ण अवतार में जामवंत को नहीं देखा हो, पर राम अवतार में तो जामवंत को देखा होगा। जामवंत को देख लो और जामवंत की बेटी को देख लो, एक जैसे लगते थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ लड़की से विवाह कर रहा है, कम से कम देख तो लेता कि दूल्हा कितना सुंदर है, और दूल्हे ने ऐसी दे रहा है रीछ की छोरी रीछड़ी, ये जामवंत अपनी बेटी से विवाह कर रहा है। प्रभु कुछ भी करो पर मेरी बेटी को, तुमने राम अवतार में मैंने कहा था आपसे कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए, आपने कहा था एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। आपने कहा था अगला अवतार होगा तब मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा, इसलिए विवाह तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, राम अवतार में वचन दे दिया था, हमने देखा नहीं था, अगर हम देख लेते तो उसी अवतार में हम मना कर जाते कि हम विवाह नहीं करेंगे।
विवाह तो करना पड़ा। बुलाओ जामवंती को। द्वारकाधीश ने बुलवाया जामवंती को। जामवंती सामने खड़ी थी, बिल्कुल रीछ जैसा मुंह, लंबे लंबे बाल, नख, शरीर पे बाल ही बाल। जामवंती हाथ जोड़कर कहती है, मुझसे विवाह कर लो। भगवान कहते हैं, मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगा, पर शर्त एक है। क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम किसी को मुंह नहीं दिखाओगी, तुम अपना शरीर का एक नख भी नहीं दिखना चाहिए तुम्हारे शरीर का। जो आज्ञा प्रभु, बस शादी कर लो। भगवान ने जामवंती से विवाह कर लिया। उसको लेकर द्वारका जी चले गए। द्वारका जी में गए तो रुक्मणी को सूचना मिली कि भगवान आए हैं और किसी से शादी कर कर आए हैं। रुक्मणी के हृदय में आग लग गई, मेरे स्वामी और दूसरी को लिया। रुक्मणी जी आई, भगवान की आरती उतारी। आरती उतार कर भगवान से पूछा, ये कौन है? भगवान के, मेरी अर्धांगनी, मेरी पत्नी। रुक्मणी जी बोली, मैं थी तो सरी। भगवान बोले, गिफ्ट में मिली है। तो गिफ्ट में मिलेगा तो कुछ भी उठा लाओगे? भगवान बोले, लड़के वालों से पूछो, जब बारात में 5,000 रुपए की भंगार जैसी अलमारी मिलती है, 10,000 रुपए की गाड़ी करके लेके आना पड़ता है, ये भी तो लेकर आते। जो अलमारी किसी काम की नहीं, घर ले जाते 25 जगह से टूट गई, उसका कांच तक फूट गया, तो 10,000 रुपए की गाड़ी करके घर ले गया, तो हम इसको कैसे छोड़ जाते? तो इतना घूंघट क्यों करके रखा है? भगवान बोले, वो बहुत सुंदर है, पांव का नख तक नहीं दिख रहा था, इतनी पूरे शरीर को ढक के। मेरे हिसाब से सबसे पहला लॉन्ग लहंगा जामवंती ने पहना था। सबसे लंबा लहंगा होता है ना, लॉन्ग लहंगा, वो जामवंती ने पहना था। बहुत, पांव का नख तक नहीं दिखे, शरीर पूरा ढका हुआ। रुक्मणी जी ने पूछा, ये इतना घूंघट क्यों लिया? भगवान बोले, बहुत सुंदर है, मुझसे ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले, तू तो कुछ नहीं लगे उसके आगे, कितनी सुंदर है वो। रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखी, पल्लू को उठाकर देखने लगी। जामवंती ने पल्लू पकड़ कर रखा था, क्योंकि द्वारिकाधीश ने कहा था चेहरा मत दिखाना, पकड़ कर रखा। रुक्मणी जी खो रही है, मुझे मुंह दिखने दे। जामवंती ने मुंह हिला दिया। भगवान ने कहा था बात भी मत करना, बस मुंह हिलाया। अरे मुंह तो दिखा, मुख तो दिखा। रुक्मणी को आ गया गुस्सा, इतना अहंकार सुंदरता पे। हाथ में जल लिया रुक्मणी जी ने, श्राप दे दिया, ए जामवंती मैं तुझे श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा। भगवान ने कोनी मार के कहा, अब उठा दे, अब उठा के घूंघट। और जो रुक्मणी जी के सामने जामवंती ने अपना घूंघट उठाया, जामवंती रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई, भगवान के चरण पकड़ लिए कि तू चमक से दूर रहता है पर कंकर को भी चमकदार बना देता है, तू है वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा द्वारिकानाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण है, जो कंकर को भी चमकाकर हीरा बना देता है, एक साधारण से घोड़े पर से उठाकर उसको भी कहीं ऊंचे सिंहासन पर बिठा देता है। और ये तो मेरा शंकर है, जो चमक से मतलब नहीं रखता, वो केवल तुम्हारे हृदय से मतलब रखता है। आप दिल से एक बार भगवान के हो जाओ, वो तुम्हें कब चमका देगा, किस तरह से चमकाएगा, वो ही जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। एक पत्र आया, पत्र एक तो बहुत सारे री जीजियों, अल्पना पांडे, मोबाइल नंबर लिखा है आपने अल्पना जी। शिवजी की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मैं अल्पना पांडे, श्री संजय पांडे, बर्रा 6, कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं अल्पना जी तो हाथ हिलाइएगा, आपके दोनों कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अल्पना जी पांडे कहीं बैठी हो, इधर हैं क्या कोने में? ठीक है, उधर के कैमरे से कैच कर लीजिएगा बाबू। अल्पना जी पांडे इधर हैं, ठीक है, दिख रही है क्या? आस्था वालों को दिख गई? आस्था वालों तुम भी अगली बार से 4-5 कैमरा लेके आया करो, बहुत सारे हो गए, इनको कैच कैसे करोगे रे? अल्पना जी पांडे, मैं अल्पना पांडे, श्री संजय पांडे, बर्रा 6, कानपुर की निवासी हूं। शिवजी की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी? मेरे पति बहुत पहले से ही हृदय रक्तचाप एवं शुगर से, मधुमेह से रोगी थे, परंतु अचानक
इस वर्ष मई के महीने में उनकी तबीयत बहुत खराब हुई, तो मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने किडनी की जांच करवाने के लिए बोला। जांच करवाने पर रिपोर्ट में किडनी में एक किडनी 100% तक खराब हो गई और दूसरी किडनी 70% खराब हो गई। हम बहुत परेशान हुए तथा उन्हें तुरंत एडमिट करवाया था, इलाज शुरू किया, तब भी उनकी तबीयत रिपोर्ट कोई सुधार नहीं हुआ। तत्पश्चात मेरी छोटी बहन ने मुझे शिवपुराण सुनने का बोला, पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए बोला। मेरी छोटी बहन सीहोर गई और वहां से कंकर लाकर दिया, क्योंकि आप कहते हैं कंकर शंकर है सीहोर का, कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर लेकर आई। उस कंकर को ही हम रुद्राक्ष मानकर उसको जल में गलाते और शिव जी को मानकर वो पानी शंकर जी का आनंद लेकर हम अपने पति को थोड़ा सा दे देते। गुरु जी उनकी बात मानकर आज भी रुद्राक्ष के जल को मैं पीते हैं वो, और उनके साथ मैंने एक लोटा जल बेलपत्री शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा से बेलपत्री भी ग्रहण कराती हूँ, शिव जी का जल भी उनको देती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, पहले दिन जैसे मैंने पशुपति व्रत रखा और उसी दिन उनकी चौथी रिपोर्ट आई, जिसमें उनकी बाबा की कृपा से एक किडनी जो 100% तक डैमेज थी वो पूरी ठीक हो चुकी थी, और दूसरी किडनी जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि ये 70% काम कर रही है, अब वो 75% ठीक हो चुकी है। ये शिव की कृपा है। ये पत्र बैठिए, अल्पना जी पांडे जी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से भगवान शिव का गुणगान करिए, भगवान शिव का भजन करिए। आप उसकी भक्ति में जितना डूबेंगे वो आपको पकड़ लेगा, आपका हाथ पकड़कर तार देगा। दुनिया कितनी भी चमक दिखाए, चमक की ओर ना जाकर भगवान का पथ पकड़िए, और जिसने भगवान का पथ पकड़ लिया, जिसने भगवान की शरणागति पकड़ ली, जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, फिर उसको किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक का चरण अगर पकड़ा है तो फिर किसी की भी जरूरत हमें नहीं पड़ी। शंभु शरणे दुख काटो दया करी निदेश दया करी निदर्शन। आप भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के चरणारविंद की ओर, भगवान के रस तत्व की ओर जाओ। कोई कितना भी कह दे कि वहां चमत्कार हो रहा है, आप मत जाइए। आप पहले, सबसे पहले भगवान के मंदिर अपने पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाइए। दुख आया है, एक बहू पूना में रहती है, मुंबई में रहती है, एक बहू दिल्ली में रहती है, और एक बहू तुम्हारे पास में रहती है। तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पूना वाली, मुंबई वाली, दिल्ली वाली की पास में रहने वाली कौन सी पहले आएगी? बोलो बोलो जम के बोलो। जो पास में रह रही है, दूर के ढोल सुहावने हैं। पूना मुंबई वाली तो 4 दिन के लिए तुम्हारे यहां आएगी, मम्मी जी कहेगी दिवाली पे, अंगूठी लेके चली जाएगी, और सास को लगेगा मेरी बहू बहुत चाहती है मुझे। दूर के ढोल सुहावने, निवेदन है, दूर से आई है, केवल दिवाली पर 8-15 दिन पति भी सिखा के लाया है, तू चुप रहना, तेरे पांव पड़ू हाथ जोड़ू, 15 दिन तो रहना है, टिकट कराएंगे अपन चल देंगे, बस मम्मी के आगे पीछे रहना, पापा को जय जय श्री राधे कहते रहना, उनको चाय बनाकर देते रहना, उनको आगे आगे काम करते रहना। बाहर से आई और उसने खूब सेवा करी, सास को लगा इसके बराबर कोई नहीं है, मेरा निवेदन है सासुओं से 2 महीने के लिए चले जा पूना। अभी तक जो जगदम्बा थी, थोड़े दिन में चंद्र घंटा नहीं हो जाए तो बता देना। रोज चंद्र घंटा प्रतिदिन। तो मम्मी से पूछो ना कब जाएंगी, तो मम्मी ने ये बोल दिया, आई कहां को यहां पूना में, इनको कौन ने बोला था कि आओ? बहुत कठिन है महाराज, दूर के ढोल सुहावने, कोई कहते वहां चमत्कार हो रहा है, कोई कहते वहां ये हो रहा है, कोई कहते वहां वो हो रहा है, नहीं। सबसे पहले अगर तुम्हारे को दुख है तो दुनिया में जाने से पहले अपनी जो बहू पास में है, अर्थात जो शंकर जी का मंदिर तुम्हारे करीब में है, पहले उसके पास चले जाना, उससे विनती कर, उससे निवेदन कर, करो उसके विनती। पास में बेटा है उससे तो कह नहीं रही, और फोन लगा के
पूना के बेटे को कह रही मेरे को ये तकलीफ आ गई, तो पूना के बेटे ने कह दी मम्मी डॉक्टर को दिखा लो ना उधर जाके, तो लेके कौन जाएगा, आ जा पूना से। अगर ये बात तू साथ में रहने वाले बेटे से कहती बेटा मेरे शरीर में कष्ट है, तो बेटा कहता मम्मी मैं अभी चलता हूँ, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो मैं दिखा लाऊंगा। बेटा खुद लेकर जाता, नौकर को भेजता, चाकर को भेजता, किसी को भेजता, पत्नी को कहता, पर दिखा कर लाता। पर तुमने दूसरे को आस जता कर कि वो मुझे कर देगा, तो उसने फोन किसको लगाया, बेटे को। बेटे ने कहा मम्मी ने तुझसे कहा, भैया भैया तुझसे कहा, ये बात मुझसे माँ बोल देती मैं दिखा लेता, मतलब मुझे तो नीचा दिखा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास में जो रह रहा है, आपके करीब में जो रह रहा है, जो शंकर भगवान का मंदिर तुम्हारे नजदीक में है, जो शिवालय तुम्हारे पास में है, जो शंकर भगवान का शिवालय तुम्हारे नजदीक में है, जो बेलपत्री का पेड़ तुम्हारे पास में है, जो पीपल का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो आंवले का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो शंकर का शिवालय तुम्हारे पास में है, सारी दुनिया में जाने से पहले तुम्हारे करीब के शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचो, उसको हल्के में मत लो। शिव मंदिर वही बनता है जहां शिव चाहता है। कानपुर में बैठा है आनंदेश्वर महादेव, उसका नाम पूरी दुनिया से हटकर है आनंदेश्वर, कि मैं भी आनंद में रह रही हूं, तुम भी रहे हो क्या, किसको रोइए, चादर तान के सोइए। ये महादेव सिखा रहा है टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति में जुओ जितना हो सकता है, और रहो अपनी मस्ती में जैसे रहते हो, साधारणता में जैसे आनंद में, सिंपल, कोई चमक नहीं, कोई चमक नहीं चाहिए ऐसी चमक। ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है, उसकी भक्ति को रमो, उसके भजन को रमो। क्या सोचना अपन को चमक का, एक बात और अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, चारों तरफ कुर्सी पाने के लिए, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, स्थान पाने के लिए एक होड़ लगी हुई है, लोग दौड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है सब कुछ मिल सकता है, एक बार शंकर भगवान को पाने के लिए दौड़ पड़ो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। वो साधारण नहीं है, वो सब कुछ मिल सकता है, सिंपल की बात कहे, शिव कथा कह रही है, एक समानता का जीवन जिए। जब हम बहुत उन्नति की ओर बढ़ जाते हैं ना, जब हम बहुत ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, बहुत बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, तब हमारी दो चीजें कम हो जाती हैं। क्या क्या चीज कम हो जाती है, जब हम उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब दो चीजें अपनी कम हो जाती है, एक रोटी एक हंसी। जब व्यक्ति ज्यादा बड़ा होते चले जाता है तो उसकी हंसी भी कम हो जाती है और रोटी भी कम हो जाती है, वो अच्छे से हंस भी नहीं पाता है और ठीक तरह से खा भी नहीं पाता, उसका भोजन भी गया और हंसी भी गई, ना वो भोजन प्रेम से कर पाता है और ना वो ठीक तरह से चार लोगों में बैठकर हंस पाता है कि मुस्कुरा पाता है, उसकी हंसी भी चली जाती है। हम तो कहते हैं जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो लोगों की हंसी के साथ में रोटी भी चली गई, ताली भी चली गई, भजन भी चले गया और सबके साथ में बैठना भी चले गया। जब ज्यादा बड़े होते चले जाते हैं ना तो 10 लोगों में आप नहीं बैठ पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए थोड़ा VIP व्यवस्था चाहिए, फिर भोजन भी वैसा चाहिए, मैं ज्यादा खाती नहीं, शरीर बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से देना पड़ेगा, ज्यादा खा लेंगे श्रेष्ठता नहीं लगेंगे, हंस भी नहीं सकते, हंसेंगे भी तो बड़ा सावधानी से हंसेंगे, बहुत हंसी भी आ रही है ना तो थोड़ा सा ही मुस्कुराना पड़ेगा, भूख भी बहुत तेज लग रही है, पर चार लोगों में बैठे हैं तो ज्यादा खा भी नहीं सकते, एकदम किसी बड़ी पार्टी में चले जाओ और एकदम गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन निपटाओ तो लोग ही कह देंगे हप्सन है, तो ज्यादा खा भी नहीं सकते। छोटे बनकर आप कुछ भी कर सकते, छोटे बनकर अपनी जिंदगी को मस्त जी सकते हो। कथा कह रही है, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कराए, हीन कशिपु तप करा
वर प्राप्त करा ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू ना बारो महीने में मरू। और उसी के घर में बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। अब जरा समझिएगा इस कथा को। यह कथा तो आपने भागवत जी में भी सुन रखी है, पर शिव महापुराण में यह कथा क्यों दी गई? उसका केवल एक कारण है, भगवान के चरणों के प्रति विश्वास। हिरण्यकशिपु तप करे, वर मांगा, वर ब्रह्मा जी से प्राप्त करा, तथास्तु ब्रह्मदेव ने कह दिया, ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम सोचो कि मरोगे नहीं, यह निश्चित है कि मरना है। तो कह दिया ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना दिन में ना रात में ना नर से ना पशु से और ना ही बारह महीने में मरू, तथास्तु कह दिया, ठीक है। वर मिल गया, आ गए घर में, बेटे का जन्म होना है। धर्म पत्नी को देवऋषि नारद ने ले जाकर ज्ञान उपदेश दिया, खूब सत्संग कराया, खूब सत्संग कराया। सत्संग का बल कितना है जरा विचार करिएगा। एक पत्र आया है, उस पत्र में जरा सत्संग का बल देखिए। इन पत्रों से यह मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर के प्रति आपका विश्वास कितना, भरोसा कितना। इस पत्र में दिल्ली के हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्टें लगाई गई हैं, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं, जो शरीर में रोग हुआ उसकी पूरी जांचें सब लगाई गई। जरा पत्र, मेरा नाम रेणु तोमर है, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से आई हूँ। रेणु जी कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। रेणु तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठी हो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। कहीं बैठी हो, इधर हैं क्या? अच्छा ठीक है, दोनों हाथ हिला दो। रेणु जी हमें दिख तो नहीं रही हो, पर आप दोनों हाथ हिला दीजिए उधर। गुरु जी शिव महिमा का क्या मैं बखान करूं? 10 जून 2022, अभी कौन सा महीना चल रहा है? 11वां है ये नवंबर का, ये जून की बात है। 10 जून 2022 में मेरी माँ को हार्ट में दर्द होने लगा, तो फिर उन्हें ग्वालियर में डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराया, तो उनको क्लॉक नजर आया, तो फिर से डॉक्टर ने दोबारा से सीटी स्कैन कराया, तो उसमें डॉक्टर ने उन्हें लंग्स में कैंसर की गांठ बताई और बोला कि इनको जल्द ही कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती करो। कीमो कराने का बोला, उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आया, और फिर हमारे यहाँ हम उनको मंदिर देवालय का भी स्मरण कराए, और अंत में हम उनके लिए बाबा से विनती करते रहे, बाबा को निवेदन करते रहे, फिर हम उनको चौतराम अस्पताल में दिखाने के लिए लेकर गए। फिर पीटी स्कैन हुआ और उस स्कैन में डॉक्टर ने 3 कैंसर की गांठ बताई और बोला कि आपकी मम्मी के लंग्स में जो 3 गठाने हैं वो कैंसर की हैं। और उस डॉक्टर ने वहीं जाँच को बेंगलोर भेज दिया। जब बेंगलोर वाली जांच वापस आई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी मम्मी को कैंसर है और इनको 46,000 रुपए की कुछ दवाइयां हैं, वो इनको देना चालू करना पड़ेगा, फिर कीमो का क्रम चालू करेंगे, जांच करेंगे। करते करते उसी जगह पर जहां पर मम्मी को एडमिट किया था, पास में ही एकांत में मैं बैठी हुई थी, और किसी ने बोला कि आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और वहां से एक बेलपत्री लेकर आ जाओ, और भगवान शंकर को याद करो, कुबेरेश्वर महादेव को याद करो, कुंदकेश्वर महादेव को याद करो। मैंने वो जल लाकर माता को देना प्रारंभ करा, बेलपत्री खिलाना चालू करी, फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव। भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा मम्मी को सुनाना प्रारंभ कर दिया। बाबा की 46,000 रुपए की टेबलेट भी हम लोगों ने जैसे तैसे मंगवा ली और देने के लिए आतुर हुए, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव। दूसरी जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर, मेरे पिताजी ने मुझे फोन कर बोला कि बेटा दूसरी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो 3 गांठें थी एक भी गांठ कैंसर की नहीं रही, सारी गांठ समाप्त हो गई। उसकी जांच ये भेजी है,
फोटो भी भेजे हैं, जांच की रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें पहले कैंसर बताया गया था, वो भी आप टीवी पर देख सकते हैं, उसमें गठाने निश्चित बताई गई और बाद में गठाने गायब भी हुई, वो भी कैंसर की रिपोर्ट में वर्णित थी। एक रिपोर्ट में कैंसर है और दूसरी वाली में कैंसर गायब। ये शिव है, आपका विश्वास, आपकी जागरूकता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर। श्रीमती सुनीता देवी, पत्नी श्री शिव प्रताप, रामनगर इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हे गुरुदेव, एक गरीब काम करने वाली लड़की हमारे पड़ोस में रहती है। 15 दिन पहले अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके लीवर में 42 mm का फोड़ा हो गया। वो घर गई तो उसने बताया कि जब हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने बताया कि 42 mm का एक फोड़ा लीवर के पास में हो गया, ऑपरेशन करने को बोला है। 2-3 महिलाओं को ये बात हमने बताई, फिर सबने बाबा भोलेनाथ जी से विनती करी। शिव जी का जल चढ़ाया हुआ हमने उसको पिलाया भी। गुरुदेव जल चढ़ाने के बाद पिलाना चालू करा, बेलपत्र भी दी, पर गुरुदेव आराम नहीं लगा। 5 दिन बाद फिर जांच कराई, 5 दिन बाद जांच कराई तो 42 mm का जो फोड़ा था वो 52 mm का हो गया। अब घटा की बड़ा बड़ा है ना, 42 mm का फोड़ा 52 mm का हो गया। डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन के लिए बाहर ले जाना होगा, नहीं तो इनको बहुत तकलीफ हो जाएगी क्योंकि लीवर के पास में फोड़ा है। मैंने 2-3 महिलाओं से लेकर मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करा क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। 45,000 रुपए देकर शाम को ही उन्हें ग्वालियर भिजवा दिया गया। ग्वालियर भेजते समय हमने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। बाबा वो सियोर वाला महाराज चिल्ला के कहता है कि 3 महीने में सबका काम हो जाता है, हमने तो पानी पिलाया था वो 42 का 52 हो गया। कुछ कृपा करिए ना बाबा। एक बेलपत्री शिव जी पे से उठाकर उसके साथ रखकर भेज दिया। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, ग्वालियर जब भेजा तब अस्पताल में उनकी फिर जांच होना चालू हुई और एक जांच में 52 mm का फोड़ा निकला और दूसरी जांच फिर आई तो उसमें एक भी फोड़ा नजर नहीं आया और वो ठीक होकर अपने घर आ गई। गुरुदेव हम घबरा गए थे कि 42 mm का 52 mm हो गया, पर मेरे बाबा ने शायद यहाँ इलाज कराते तो वो ऑपरेशन ही कर देते, और बाबा ने 52 mm का कर ग्वालियर इसलिए भेजा था कि उसको ऐसे कैसे ही वापस भेजना था। ये शिव है। क्यों घड़ी बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो सोचता है हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब एक बात सोचिएगा जरा, सियोर वाला महाराज इनके साथ में वहां नहीं था, पर जो पास में शिव जी का मंदिर था, जो पास में बहु थी, वो आई कि नहीं आई, वो सामने खड़ी हुई कि नहीं हुई। मेरा महादेव तुरंत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का, जो शिव की आराधना कर रहे। अगर वो 42 mm का ही फोड़ा रहता तो ऑपरेशन यही करा देते, पर वो 52 का। आपको बनेश्वर धाम मत आओ, आओ, पर जब बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे और कुछ कृपा एक भी पूरी कर दे तब कुबेरेश्वर धाम जरूर जाओ। मना नहीं, हम मना नहीं करते कि अपना जाइए, जाओ। भक्ति के बल को बढ़ाना है, हमें अपने भजन को बढ़ाना है, हमें अपने कीर्तन को बढ़ाना है। एक बात और कहना चाहेंगे, सुन लेना जरा अच्छे से, कानपुर वाले और कल्याणपुर वाले और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लेना। तुम बहुत देर तक भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते, तो कबड्डी खेले हो, कबड्डी है? खेले हो। क्या करना पड़ता है? बस दुश्मन की पाली में जाओ, कबड्डी 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 टच कर कर आ जाओ, जीत जाओगे निश्चित। ज्यादा देर भगवान के पास बैठने की जरूरत नहीं है, बस शिव मंदिर की दहली तक जाओ, छूकर वापिस आ जाओ, जीत जाओ निश्चित। शिव मंदिर के द्वार तक गए,
और जीत कर वापिस आ जाओ, ये निश्चितता है। तेरी कृपा बिना नहीं ले, हमारे बीच में संत महात्मा है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर। तेरी कृपा बिना नहीं ले, एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। एक जरा सा बस केवल टच ही किया है, आती है। कौन कौन खेले हैं कबड्डी खेले हो? अरे बहुत बढ़िया, धर लो धर लो धर लो, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, टच करा वापिस लौट कर आ गए। और अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो फिर डूब जा। गए भगवान की चौखट तक पहुंचे, भगवान के द्वार तक पहुंचे, भगवान की शरणागति तक पहुंचे, थोड़ा सा स्पर्श मात्र किया, उसमें भी सुख मिल गया, उसमें भी आनंद की अनुभूति हो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव कृपा जैसी आप अगर आए हो शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, समझ लेना पाली टच कर कर जा रहे हो तो ये निश्चित है कि विजयता प्राप्त जरूर होगी। आप आए उसके द्वार पर, आप आए उसकी चौखट तक। और मेरा इंदौर वासियों से भी निवेदन है, दलाल बाग के पास में इंदौर में ये कथा 22 तारीख को कानपुर में विराम हो जाएगी, 24 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इंदौर में प्रारंभ हो जाएगी। मौका मत छोड़ना टच करने के लिए, भगवान शिव की शिव महापुराण में जरूर पहुंचना। मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा विश्वनाथ ही जान सकता, ये मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव जान सकता। लोग मुरैना से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, कोई झांसी से आ रहा है, कोई रायसेन से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, यहाँ कोई कलकत्ता वाले भी बैठे हुए हैं, कोई कलकत्ता से, कुछ तो मेरे बाबा ने दिया होगा तब तो पहुंचे हैं। ये इतने पत्रों का ढेर लगा हुआ है पत्रों का, ये विश्वास है आपका, भरोसा दृढ़ता, कुछ तो कृपा करिए। और इंदौर वालों को मौका मिला है 24 तारीख से 30 तारीख तक दयाल बाग में कथा श्रवण करने, चुके नहीं दिल से आनंद से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रसतत्व ग्रहण करो। आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पर भी आप लोग श्रवण करो। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा होगी, यहां भक्ति शिव महापुराण की कथा चल रही, शिव भक्ति। पर अब एक निवेदन आप सबसे है, जो रात्रि को रुकने वाले आते हैं उनसे निवेदन है, अपने साथ में ओढ़ने का जरा कम्बल मम्मल थोड़ा मोटा लेके चलो, ठंड पड़ने लगी है उसका ध्यान रखकर चलिए। आप लोग आते हो मना नहीं, पर थोड़ा सा ओढ़ने का जो कम्बल वगैरह है वो थोड़ा मोटा लेकर चले, जिससे आप लोगों को ठंड ना लगे, उसका विशेष ध्यान। भगवान की अविरल भक्ति, बैठो अभी देह मौका, भगवान की अविरल भक्ति को धारण, जिस भक्ति का बल प्रबल। हीन कश्यपु ने मांगा ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू ना नर से मरू ना पशु से मरू ना ही 12 महीने में मरू। धर्म पत्नी गर्भ से थी और नारद जी ने उनको ज्ञान उपदेश दे दिया, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, यह हमारा शास्त्र कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, दिन भर पलंग पे पड़ी रहो और नाटक देखती रहो, औलाद भी जो पैदा हुई वो आते से ही नाटक करना चालू कर देती है, वो भी नाटक करती है, गोदी में रखो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे, ये नाटक नहीं तो क्या। फिर बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कहने में पीछे नहीं हटती, वो भी कह देती हमारी भी 4-4, 5-5 औलाद थी री बहू, खिला दो पिला दो पटक दो खेलती रहे, तूने अनोखी औलाद पैदा करी, धन्य है ऐसी औलाद पैदा। फिर माताएं भी कह देती कहने में कोई चुकता क्या, करो भजन करना चाहिए, उसमें कोई विशेष। पर गर्भ में बच्चा हो, गर्भ में संतान हो, गर्भ में अगर औलाद है, गर्भ में अगर संतान है, तो भजन शिव का भजन। एक माता ने अपने एक प्रश्न को लिखा था कल के पत्र में, पत्र शायद पीछे होंगे आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, पत्र में एक माता ने प्रश्न लिखा था, क्या
नारी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर सकती है, पूजन शिवलिंग बनाकर? तो हम तो हमेशा कहते आए, हमने हमेशा आपसे कहा है कि शिवलिंग का निर्माण कोई भी कर सकता, ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही शिवलिंग बनाएगा, क्षत्रिय ही शिवलिंग बनाएगा, वैश्य ही बनाएगा, शूद्र ही बनाएगा, या पुरुष ही बनाएगा, या नारी ही बनाएगी, कोई भी। और नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं पढ़ो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करो, उनसे निवेदन है पेपर में अगर समय हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो, कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी करो, पूरी तैयारी एकदम कर्म प्रधान, उनसे निवेदन है। महीने में एक बार बालू रेत मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसको जल चढ़ाओ, घी का दिया लगाओ, पूजन करो, शहद बेलपत्र शिवजी को समर्पित करो, अपनी कामना कर विसर्जन करो। 2-4 महीने जब तक एग्जाम नहीं आते, महीने में केवल एक दिन भी अगर आप मेरे देव अधिदेव महादेव को दे रहे हैं, उतने में ही मेरा बाबा कृपा कर देगा, ये शीत करो। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, और जिन जिन ने नौकरी की तैयारी करी है, भले प्राइवेट की कर रहे हो चाहे सरकारी की कर रहे हो, मेरा बच्चों से बेटों से बेटियों से निवेदन है, खूब पढ़ो, दिल से खूब अच्छा नंबर लाओ, खूब मेहनत करो, पर साथ में शिव महापुराण को विश्वास मानकर, भगवान शंकर का अनुमोदन कर विनती कर फिर कंपटीशन एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां भी शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर दिल में बिठा कर एग्जाम दीजिए। ये जो चतुर चतुर जो माताएं होती है ना, ये अपने बच्चों को स्कूल के टीचर के पास में ही ट्यूशन भेजती है। पूछो क्यों, हम बोले उससे अच्छा तुम ही बोल दो क्यों, स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन भेजती है, और स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन इसलिए भेजती हैं कि जब बच्चे का एग्जाम का समय आएगा, बोलो री जी जी हो, एग्जाम का समय आएगा तब ये स्कूल की जो टीचर है वो थोड़ा थोड़ा देख लेगी। अब बच्चा एग्जाम दे रहा है, जिसके पास उसने ट्यूशन पढ़ी है वो टीचर घूम रहा है, टीचर जब घूम रहा है और टीचर जब इधर से उधर घूम रहा है, और महाराज जब टीचर इधर से उधर घूम रहा है तो बच्चे को लगता है कि मैंने इन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ी है, मेरे सर मुझे बताएंगे, मेरे टीचर मुझे दिखाएंगे कुछ बता देंगे, पर टीचर एग्जाम के उस कक्ष में अपने स्टूडेंट को कुछ नहीं बताता है, ये टीचर की मर्यादा है, बताता नहीं है, उसकी मर्यादा में रहता है। एग्जाम तुम दीजिए, पर टीचर एक बात जरूर कह देता है, तो चिंता मत कर, एग्जाम दे, लिख पढ़, चिंता मत कर, रिजल्ट बनाना मेरे हाथ में है। उसी तरह देव अधिदेव महादेव कहते हैं, खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, दिल से आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, पर शंकर भगवान पर विश्वास भरोसा दड़ी रखना, क्योंकि रिजल्ट बनाना देव अधिदेव महादेव के हाथ में, पढ़ो खूब। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हट छटी ना में कटी जवानी, भोले मैं तेरी बदन शंभो मैं तेरी बदन। दिल से कहो, प्रहलाद का जन्म हुआ माता के गर्भ से, देवऋषि नारद ने ज्ञान उपदेश दिया, वो ज्ञान इतना प्रबल था देवऋषि नारद का दिया हुआ कि गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते से भगवान के नाम का आह्लाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। ले गए हिरण्यकशिपु को, मालूम पड़ा घर लेकर गए,
पर गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान था, बहुत प्रबल ज्ञान, खूब पढ़ा। और मेरा निवेदन है, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी पिता को होती है तो बेटे को आ जाती है। बोलो री जी, जो सही है कि गलत है? बाप को होती है तो बच्चों को आ जाती है। जब शुगर की बीमारी बाप को है तो बेटे को आ गई, बाप को है तो बेटी को आ गई, पर एक बात समझ में नहीं आती कि पिता इतना धर्मात्मा है, इतना पुण्यात्मा है, तो फिर इस पुण्य आत्मा के जैसा हृदय ये छोरे में क्यों नहीं आया रहे? बीमारी आ सकती है, उसको शुगर थी तो इसको भी आ गई, उसको मधुमेह था तो इसको भी मधुमेह आ गया। डॉक्टर भी पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी को शुगर थी क्या? हाँ साहब, उनको शुगर थी तो तुमको भी है, थोड़ा ना थोड़ा अंश है कारण। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, पिता का जैसा धर्म है, पिता जैसे भगवत भजन में लगा, पिता जैसे धर्म में लगा, सुंदर संस्कारों में लगा हुआ है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, अच्छे कर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ऐसा पुत्र होना चाहिए। पर आजकल कहने और करने में अंतर है। ये एक माता जी ने लिखा है कि गुरु जी प्रीति त्रिपाठी निराला नगर कानपुर से, इन्होंने लिखा है, सब पढ़ना जरा अच्छे से। गाय के लिए गुरुदेव दो वचन कह दीजिए जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, उसके लिए प्रीति त्रिपाठी ने लिखा है। अब बेटा प्रीति त्रिपाठी, आपके चरणों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपके संस्कार हैं, आपके संस्कार हैं, आपने बोला गौ माता के लिए बोला, हमें गौ माता के लिए बोलने में कोई परेशानी नहीं, पर दुख केवल एक है हमारे हृदय में। इतना गौ माता पे प्रवचन देते हैं, इतनी सीख देते हैं, गाय को ऐसे रखो वैसे रखो, जरा सी बात में गाय का नाम आता है और आग बबूला हो जाते हैं, जरा सी देर में गौ माता के लिए टूटमान हो जाते हैं। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, अगर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस कथा पंडाल के माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं, तो निवेदन केवल इतना करूंगा कि जो लोग इतना प्रवचन देते हैं गाय के लिए, इतना कहते हैं, गाय को रखने की सीख देते हैं, जरा जरा सी बात में गाय के लिए दौड़ पड़ते हैं, उनसे भी मेरा केवल इतना सा निवेदन है, कम से कम एक गाय अपने घर में तुम भी रखो रे, कम से कम गाय की सेवा करोगे तो गौ माता बचना प्रारंभ हो जाए। हम केवल मंचों से ना बोले, हम केवल प्रवचन में ना बोले, हम केवल जरा सी गाय बात निकली और जरा से उसमें हम टूटमान हो रहे हैं, तो हमारे को फर्ज बनता है कि रोड पर चल रही गाय जो कट रही है, पड़ी हुई हैं, जिनको भोजन तक नहीं मिल रहा, उसकी जवाबदारी हमारी खुद की होना चाहिए कि हम उस गौ माता को स्वयं लेकर आए, उसकी सेवा करें, उसकी चाकरी करें, उसको संभालें। पहले 322 ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने थे, कितने जम के बोलो जरा, 322। आज रिसर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, अब 4,500 से लेकर 5,000 कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हैं। ब्रेसिंग मशीन का कैसे, गाय का सफेद मांस की कीमत कम है और लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा है, तो क्या करते हैं मशीन वाले, गाय को कसाई के यहां से खरीद कर ले गए, कसाई घर में उसको रखा, रखने के बाद एक कुएं में, अंधे कुएं में उसको छोड़ दी। 12 दिन तक गाय को बिना चारे के और बिना पानी के रखा जाता है, फिर उसका मुंह बांधकर पांव से उल्टा लटकाया जाता है, गाय के मुंह पर प्रेशर से पानी दिया जाता है, इतनी प्रेशर से कि गाय धक्का खाती है, उसके मुंह पे मारा जाता है, मुंह से उसकी श्वास उसके रक्त में जाती है और खून उसके रक्त में मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर गाय के गले पर धीरे से कट लगा दिया जाता है, बूंद बूंद कर कर टपकता रहता है खून, और गाय का खून गाय के मांस में मिलना प्रारंभ हो जाता है, तड़पती रहती है 9 दिन तक गाय मरने के लिए, तब वो मरती है और मरने के बाद उसका मांस निकालकर डब्बे में पैक कर विदेश में भेज दिया जाता है। जरा विचार करिए गौ माता की दशा कितनी खराब है,
मेरा तो निवेदन केवल इस व्यासपीठ से इतना सा है, प्रत्येक गौ माता की सेवा जितने लोग दिल से कहते हैं कि हम गौ रक्षा करना चाहते हैं, हम गाय की रक्षा करना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन, आपके घर में गाय बंदी होना चाहिए, आपके घर में गौ माता होना चाहिए, आप गौ माता की सेवा में लीन रहे। ज्यादा नहीं रख सकते एक रखो, दो नहीं रख सकते तो एक की सेवा करो, जितनी सेवा बन सकती हो उतनी करो। बड़ी प्रसन्नता होती है पथमेड़ा गौशाला को जब हम देखते हैं, राजस्थान की पथमेड़ा वाले महाराज जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था से संभाल रखा है उसको, बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंदता होता है, करो सेवा। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र कर रहा है, प्रहलाद जी महाराज का सुंदर भाव कर रहा है, भगवान की विरल भक्ति कर रही है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जगह जगह मरवाने का विचार करा पर नहीं मर पाया, क्योंकि उसको मेरे महादेव ने, मेरे भगवान ने उसको रख रखा था। कई लोग कहते हैं किसी ने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारी दुकान बांध दी, किसी ने हमारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ये कर दिया, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारे ऊपर ऐसा कर दिया कि हम बीमार हो गए। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम पे टोना कर दे, अगर टोना करने वाले होते तो सबसे पहले मोदी पे ही करते। अगर होते तो सबसे पहले उस पे ही करते। तुम तो इतने फेमस भी नहीं हो कि तुम फिर कहीं कट्ठो ना कर दे। अरे भाई ये हमारा भ्रम है कि कोई हमें बर्बाद कर रहा है, ये हमारा भ्रम है कि हमारी दुकान नहीं चल रही, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा, ये भ्रम में, ये अंधविश्वास में ये जीना बंद कर दो, ये अंधविश्वास में जीना बंद कर दो कि किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा, किसी ने यह कर दिया होगा, यह अंधविश्वास है जिस पर तुम जी रहे हो। कोई किसी पर कुछ नहीं कर सकता, करने वाले होते तो अंबानी को छोड़ देते, मोदी को छोड़ देते, जो ऊंचे ऊंचे पद पर हैं सबसे पहले दूसरे लोग इन्हीं को पकड़ते और टोना करवा के निपटा देते। पर किसकी सामर्थ्यता, अंधविश्वास में जितना फंसोगे उतने फंसते चले जाओगे, अंधविश्वास में जितना डूबोगे उतने डूबते चले जाओगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई तुम्हारा बुरा कर दे, बस एक संबंध बनाकर रखो वो शमशान वाले से। जब शमशान वाला तुम्हारे घर में होगा शिवलिंग के रूप में तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर दे। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए एक लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में भगवान शंकर को रोज एक बेलपत्र चढ़ती है, शिव जी के मंदिर में घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर जाता है और शंकर के मंदिर से वापिस आता है तो घर में भगवान शंकर के रज हमारे घर में आती है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोना कर सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं। अंधविश्वास में जीना बंद करो, अंधविश्वास मत रखिए कि कोई कुछ कर देगा। भजन करो, भजन का बल बढ़ाइए, कुछ नहीं भजन। प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, अग्नि में पटक दिया, कुछ नहीं, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कुछ नहीं। अंत में कहा भगवान है, खंभे में से भगवान प्रकट हो गया, प्रहलाद को बचा लिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब यहां तक की कथा तो भागवत में थी, पर शिव जी का एक रूप शिव महापुराण में यहां पर प्रकट हो रहा है, जिसको श्रम्भेश्वर महादेव कहा गया है। कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, श्रम्भेश्वर महादेव। अब एक रूप प्रकट हुआ, अब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, पर क्रोध कम नहीं हुआ है नरसिंह भगवान का। सारे देवता भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, देव अधिदेव महादेव ने पूछा क्या हो गया, वो भगवान नरसिंह को बहुत गुस्सा आ रहा, जहां जाते हैं वहीं टूट फूट कर गाते हैं, कुछ कृपा करो ना भोलेनाथ। क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे के चक्कर में खुद को क्रोध करता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा लेता है और स्वयं क्रोध में गुस्से में अपना काम बिगाड़ बैठता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा ले रहा है, क्यों करना क्रोध, क्या करोगे क्रोध करकर? जिस समय क्रोध आए थोड़ी देर भगवान की भक्ति का रस तत्व ग्रहण करो। शिव मंदिर पहुंच गए, भगवान शंकर का गुणगान करा, स्मरण करा, कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए घर में अगर ज्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो,
एक बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, पांच जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। पांच जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो अपने मन का भाव रखकर। सात पांच मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा, स्पर्श कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट लगता है, घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है, उसका भजन है। वो बस उसका स्पर्श मात्र हो गया तो हमारा कल्याण हो गया, स्पर्श मात्र से। वो कहे महाराज प्रहलाद आनंद से रह रहे हैं पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं। तब देवताओं ने भगवान शिव जी से विनती करी, निवेदन करा, भोलेनाथ कृपा करो, ये नरसिंह भगवान तो गुस्से पर गुस्सा करे जा रहे हैं, क्रोध पर क्रोध करे जा रहे हैं, और इन्होंने बहुत उपद्रव मचा कर रखा। सारे देवता घबरा रहे हैं, आप करुणा करिए, आप कृपा करिए। भगवान शिव जी ने कहा कि नरसिंह भगवान को उठाकर मैं बद्रिकाश्रम की अलखनंदा नदी में छोड़ देता हूं, पर बात इतनी है कि उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। एक बात बहुत अच्छी से याद रखिएगा, कभी यह मत सोचना कि अकेले रहोगे तो खुश रहोगे, परिवार के साथ में रहोगे तो ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि परिवार की एकता में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं आनंद नहीं। संगठित रहिए, संगठन में रहिए, जो संगठित रहता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, पर 10-12 लकड़ी एक साथ में होगी तो तोड़ने में दम चाहिए। संगठन में रहने में, संगठित रहने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। हम एक बात हमेशा कथा में कहते रहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाओ कि अपने परिवार के साथ में बैठकर माता पिता कुटुंब कबीला जो भी अपने घर में, जो एक घर में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, आप हों, पत्नी हो, बेटा बेटी जो भी हो, आपके घर में जितने भी लोग अपने घर में रह रहे हैं उन सबके साथ एक साथ बैठकर भोजन करो। हम ये नहीं करें कि एक ही थाली में भोजन करो, सब अपनी थाली लगाओ, पर एक साथ बैठो और एक साथ भोजन करो, जिससे अपने मन के भाव केंद्रित। संगठित रहिए, संगठन में रहिए। पिता आ रहा है 10 बजे रात को, बेटा आ रहा है 11 बजे रात को, मां भोजन कर रही है 8 बजे, बेटी आ रही है 5 बजे, ऐसा भोजन का क्रम नहीं होना चाहिए। संगठित रहकर भोजन करें। ज्यादा दिन नहीं, हम ये कह नहीं रहे कि आपसे कि रोज करो, हफ्ते में एक बार। उससे क्या होगा कि बच्चे को कुछ कहना होगा तो उसको लगेगा पापा आज अच्छे मूड में है तो अपन कह दे, मेरी मम्मी अच्छे मूड में है तो मम्मी से मैं कह दूं। अपने बेटा बेटियों से भी निवेदन है और माता और पिताओं से भी निवेदन है, अपने बच्चों से फ्रेंड जैसा रहिए, दोस्त जैसा।
जिससे वो अपने दिल की बात आपको सारी बता दें और आप पहले से सचेत हो जाएं कि हमारे साथ ये घटना ना घट जाए। अपने बच्चों के साथ में रहकर अपने बच्चों से थोड़ा सा एक दोस्त जैसा माहौल रखकर उससे पूछो, उसको समझो, उसको जानो। बच्चा कहीं कोई गलत बात छुपा तो नहीं रहा है? एक महीना, दो महीना, छह महीना, चार महीना उसके मन में कुछ चल रहा है और वो छुपा छुपा कर चल रहा है, बाद में मालूम पड़ता है तो फिर रोना आता है। क्या करेंगे अब हम, कैसे बचाएंगे गुरुजी, अब हम क्या कर सकते हैं गुरुजी? तो गुरुजी कुछ नहीं करेगा, करना तुमको पड़ेगा। थोड़ा संगठन। भगवान शिव ने कह दिया 33 करोड़ देवी देवता मेरा साथ दे दे, मैं नरसिंह भगवान के गुस्से को शांत कर दूंगा। ये 33 करोड़ देवी देवता मेरा साथ दे। तो देवताओं ने पूछा हमें क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा मैं शरंभ पक्षी का रूप धारण करूंगा, तुम मुझ में बल देना, सब मेरे पंखों से लपट जाना, मैं बल पाकर नरसिंह भगवान को अपनी चोंच से या पंजे से उठा लूंगा और उठाकर अलकनंदा नदी में गंगा के जल में डाल दूंगा। जब नरसिंह भगवान को गंगा के जल में अलकनंदा नदी में डालूंगा तब उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाए। देवताओं ने कहा हम तैयार हैं। देवता बोले हमें तैयारी है, आप करो तैयारी। शिव जी ने एक रूप रखा सरंभ पक्षी का, नरसिंह भगवान को उठाया, पंजे में उठाकर ले गए बद्रिकाश्रम की अलकनंदा नदी में, उनको पटक दिया। पटके भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया, एकदम शांत। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह भगवान से, प्रभु वैकुंठ नहीं जाओगे? नरसिंह भगवान बोले मेरे को अलकनंदा नदी में रहने दो। नरसिंह शिला के रूप में नरसिंह भगवान आज भी अलकनंदा नदी में रहते हैं, जहां पर ताप कुंड है, जहां पर पानी गर्म का कुंड है बद्रीनाथ में, उसके नीचे की ओर आप देखेंगे कि बड़ी सी शिला नजर आएगी। उस बड़ी सी शिला को देखेंगे और किसी पंडित जी से पूछेंगे कि यह कौन सी शिला है, तो लोग कहेंगे कि यह नरसिंह शिला है, यह नरसिंह भगवान के द्वारा प्रकट। शिव जी का नाम शरंभेश्वर महादेव हो गया। शरंभेश्वर महादेव क्रोध को संयम रखने के लिए, शरंभेश्वर महादेव जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो शरंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शरंभेश्वर महादेव, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है शरंभेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, परनारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए, पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री का। शरंभेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे कौन से महादेव? शरंभेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, शरंभेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो शरंभेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, शरंभेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी शरंभेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, शरंभेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा शरंभेश्वर महादेव का है। कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था, अब पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा, जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा, जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू हो गई।
जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना, जिसके लिए भी लिखा हुआ वो इतना ध्यान नहीं आ रहा। तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ। अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, कई महीने निकल गए, मिर्गी के झटके बंद नहीं हुए। तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रम्भेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए हैं, अब कोई झटके उनको आने। श्रम्भेश्वर महादेव का जो वर्णन है, श्रम्भेश्वर महादेव का जो गुणगान है, यह कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल श्रम्भेश्वर महादेव के प्रागट्य के लिए, ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का गुणगान। एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ उसके लिए एक बार फिर से बोल लो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। ये श्रम्भेश्वर महादेव जैसे कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का क्या काम है? माता पार्वती ने बिदल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुक फेंका था, वो कुंदुक भगवान शंकर के पांव में जाकर गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। जब हमारे यहां कोई दवाई नहीं लगती शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया, या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल में नहीं आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ला। दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर महादेव का प्रसाद समझ कर पाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं, और श्रम्भेश्वर महादेव बोलो बोलो जरा जमके, व्यसन की समाप्ति के लिए। व्यसन में अगर कोई डूबा, महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, श्रम्भेश्वर महादेव प्रकट हो गए, सारे देवताओं ने भगवान शंकर की जय जयकार करी, पार्वती जी ने शिव जी का वो रूप देखा, तो पार्वती जी ने भगवान शंकर के उस रूप का गुणगान किया। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपसे निवेदन है, आपने ये शरंभ पक्षी का रूप धारण करा है, इस रूप को छोड़ दीजिए, और इस रूप को छोड़कर अपने वही पुनः रूप को धारण कर लीजिए। शंकर भगवान पुनः उस रूप को त्याग कर शिव जी अपने असली स्वरूप में धारण हो गए, और भोलेनाथ काशी में जाकर विराजमान हो गए। माता पार्वती जी ने काशी का जब स्मरण किया, काशी का जब दर्शन किया, तब माता पार्वती के हृदय चित्त में काशी भ्रमण का भाव जागृत हो गया। काशी भ्रमण करने के लिए भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, पार्वती तुम क्या चाहती हो? पार्वती जी ने मन से कहा, भोलेनाथ मुझे केवल इस काशी का दर्शन करना है। और देखिए शिव महापुराण का एक शब्द विद्धेश्वर संहिता में कहा गया है, जैसे ग्रहण पड़ता है तो हमको स्नान करना पड़ता है, श्मशान चले जाते हैं तो आकर नहाते हैं, कहीं अशुद्ध जगह पर चले जाते हैं तो आकर स्नान करना पड़ता है। विद्धेश्वर संहिता में शिव महापुराण में वर्णन किया वेदव्यास जी ने, यदि काम लोभ आसक्ति तृष्णा झूठ प्रपंच छल बेईमानी ये सब का ग्रहण अगर इस शरीर पर पड़ा हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर डुबकी लगा लीजिए, ये सारा समाप्त हो गया, सब समाप्त। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छटी नाम में कटी जावांगी, भोले मेरी पतंग शंभो मेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो शिव पुराण कह रही है। भक्त और भगवान में एक अंतर बड़ा प्रबल, भक्ति शिव महापुराण कह रही है। भक्त और भगवान में एक अंतर बड़ा प्रबल,
कौन सा अंतर है वो भक्त और भगवान का? कहते हैं भक्त और भगवान में एक अंतर प्रबल है, जो भक्त और भगवान के अंतर को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि भक्त और भगवान में एक अंतर प्रबल है, जो भगवान नहीं कर पाता है वो भक्त के माध्यम से मेरा महादेव करवा बैठता है। ये भक्त और भगवान का एक अंतर, भक्त और भगवान का एक क्रम। जैसे हनुमान जी महाराज, जो मेरे राम नहीं कर पाए वो मेरे हनुमान जी कर दिए, और मेरे हनुमान जी महाराज भक्त बनकर जो नित्य सेवा की तल्लीनता में रहते हैं, शिव कथा कह रही है, जो शंकर का भक्त है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का अनुमोदन करने वाला है, शिव स्मरण करने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, शंकर के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाने वाला है, जो शिव भक्ति में दिन रात डूबा रहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कभी कभी हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, आप शंकर के मंदिर जाने वाले का अगर केवल मुख का दर्शन भी कर लोगे तो मेरा देवाधिदेव महादेव आपके कार्य सफल कर देगा। शिव मंदिर जाने वाले का केवल मुख दर्शन ही हमारे को श्रेष्ठता दे जाता है, केवल मुख दर्शन। भगवान शिव के मंदिर का केवल अगर कोई जल चढ़ा कर आ रहा है, कोई जल चढ़ाने गया है, कोई बेलपत्री चढ़ाने गया है, कोई भगवान का गुणगान करने गया है, उसका केवल दर्शन, केवल दर्शन। शंभु शरणी पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। शिव महापुराण की कथा कर रही है। आगे जो वर्णन करा वो विदल और उत्पल का वर्णन किया, उस विदल और उत्पल के वर्णन के बाद में जो वर्णन आया है वो बड़ा सुंदर महाराज एक वर्णन आया है तारकासुर का। जिस तारकासुर ने भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र द्वारा अपने प्राणों को हरना मांगा था, अपने प्राणों को हरना मांगा था महाराज। तारकासुर, जरा विचार करिएगा शिव जी का कितना भारी भगत होगा, जो चाहता है भगवान शंकर का विवाह हो जाए, जो चाहता है भगवान शिव का मंगल विवाह हो जाए, वो तारकासुर अगर ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं तो ये वर मांग रहे हैं कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं मरूंगा, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मैं। अब देखिए जैसा तारकासुर ने भला चाहा, घर की जो बुजुर्ग माताएं होती हैं, घर की जो माँ होती है, घर का जो पिता होता है, वो भी हमेशा अच्छा ही चाहता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे का विवाह नहीं हो या मेरी बेटी का विवाह नहीं हो। वो हमेशा अगर चाहता है तो केवल इतना चाहता है कि मेरे घर में अगर मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो उसका विवाह हो जाए। उसको मालूम है, उसको ज्ञात है कि विवाह करूंगी, बहू आएगी, हो सकता है मैच कर पाए ना कर पाए, हमारे साथ श्रेष्ठ रह पाए ना रह पाए। पर एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा, ना कभी बहू बुरी होती है ना कभी सास बुरी होती है, केवल एक समय की अवधि होती है जो व्यक्ति को बुरा बना देती है, इसलिए उस समय को थोड़ा सा टालते रहो। समय अगर समय टलता गया तो चल जाए। ये कई लोग कहते ना, बहुत अकड़ में लोग आते हैं और खूब अकड़ में कहते हैं, मेरे साथ में 5,000 लोगों की टीम है गुरुजी, 5,000 लोगों की टीम है मेरे साथ में, 5,000। अच्छा, कई लोग कथा लेने आते हैं तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जाके मालूम पड़ता है कि कथा की व्यवस्था क्या कर पाए, ये समय पर मालूम पड़ता है। मेरे साथ में 5,000 लोगों की टीम है, कई बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरे पास में 10,000 लोगों की टीम है, मेरे पास में 3,000 लोगों की टीम है। हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ जो टीम है तुम कहते हो, ये तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे समय के साथ है। तुम्हारी अभी सत्ता चल रही है इसलिए तुम्हारे साथ में 10,000 है, तुम्हारी सत्ता गई एक को इकट्ठा करके बता दो, तुम्हारा वैभव गया 5 को इकट्ठा करके बता दो, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता। अकेला मनुष्य आया है, अकेला जाएगा। शिव जी की कथा कहती है जब तक उसके शरीर में श्वास है
21,600 श्वास जब तक उसके शरीर में चलती है, मेरे महादेव कहते हैं उसके साथ कोई नहीं रहता, केवल एक महादेव रहता है, उसके सिवाय कोई नहीं। शिव रूपी श्वास तुम्हारे साथ है इसलिए वो शरीर कहलाया, शिव रूपी श्वास चली गई तो वो शव कहलाया। श्वास है तो शिव है, श्वास गई तो शव है, केवल शव, उसके सिवाय कुछ नहीं। तारकासुर ने मांगा, बाबा दया करिए, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूट। कोई माता पिता गलत नहीं मांगते, तारकासुर ने भी मांगा तो शिवजी का घर बस जाए, शिवजी का विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय बाबा ने आकर तारकासुर का संहार करा, देवताओं ने आनंद पाया, ऐसी शिव महापुराण की कथा का आज पंचम दिवस है, कल कथा का छठवां दिवस रहेगा।